दोस्तों ये एक एलईडी टीवी का पावर सप्लाई है, ठीक है। ये पावर सप्लाई को थोड़ा ध्यान से देख लो। ये पावर सप्लाई का इसका दिक्कत क्या आ रही है, देखो इसमें जब भी हम पावर देते हैं, इधर जब भी हम पावर देते हैं, इसमें जो 5 वोल्ट है ये तो पहले आउटपुट होना चाहिए। इधर इधर देखो लिखा भी है, इसमें देखो, ये देखो इसमें ये 13 वोल्ट है, ग्राउंड ग्राउंड 5 वोल्ट PW ON, उसके ऊपर BL ON DM जो भी है उसको अभी हमको नहीं देखना है। हमको सिर्फ देखना है क्या, पहले 5 वोल्ट देखना है। इधर ये 5 वोल्ट आना जरूरी है। तो जब हम इसमें इसमें पावर दिया था, पावर देने के बाद इधर 1 सेकेंड के लिए आ रही थी, जस्ट 1 सेकेंड के लिए 5 वोल्ट आ रही थी। आने के बाद ये बैठ जा रही थी और दूसरा कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी। लेकिन हमको जो चाहिए था इसमें, ये जो 5 वोल्ट लिखा है, इधर थोड़ा दिखा दिया हम, ये जो ये 2 पिन है, ये 2 पिन ग्राउंड है, ठीक है, और ये 2 पिन 5 वोल्ट है। इसमें 5 वोल्ट कॉन्टेंट रहना चाहिए, लेकिन इसमें आके चली जा रही है। तो देखो इसमें आके जा रही है मतलब क्या है, हमारा जो इसमें जो मॉस्फेट लगी हुई थी, ये मॉस्फेट सही है, ये सही है, इसलिए वो एक बार के लिए स्विचिंग कर रही थी जो 5 वोल्ट आउट हो रही थी। लेकिन 5 वोल्ट ये 1 सेकेंड के कौन सा वोल्ट आ रही थी, इसमें जो ये जो मॉस्फेट को स्टार्ट करने के लिए एक के वोल्टेज होती है जो प्राइमरी से, हमारा प्राइमरी से आते हैं, ठीक है, प्राइमरी से आते हैं जो स्टार्ट करते हैं, इधर इस पॉइंट में जो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम स्विचिंग कर देते हैं। उसका बाद यही से फीडबैक लेके ये आईसी जो है, ये आईसी से एक वोल्टेज रेगुलेट करता है, वो वोल्टेज इसमें मिलती है, इस पॉइंट में मिलती है, तब ये कंटिन्यू इसमें 5 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन इसमें 1 सेकेंड के लिए आ रही है मतलब हमारा ये जो प्राइमरी से रेजिस्टेंस दे के स्विचिंग करना था वो कर रही है, इस आईसी से हमारा वोल्टेज नहीं निकल रही है। तो अभी इसको चेंज करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको चेंज करने करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसको हम फिलहाल कैसे सही करना है ये थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले फेंक देंगे, इसको कोई ज़रूरत है ही नहीं अभी, ठीक है, इसको हम फेंक देते हैं। और इसके लिए एक 524 बोल के एक मॉड्यूल आती है, ठीक है, ये मॉड्यूल 524 ये, इसको अभी क्या करेंगे, हम करेंगे कनेक्ट। इसको कनेक्ट करने के लिए हमको पहले इसको तो ओपन करना ही है, 524 को जब भी हम कनेक्ट करें इसको ओपन करना है। उसके बाद इसका जो रेड कलर है, सबसे पहले ये जो रेड कलर है इसको हम ड्रेन पिन में जॉइंट करेंगे, ये होती है ड्रेन पिन, इसमें हम सोल्डर कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया हम सोल्डर, ये है इसका ड्रेन पिन, ये 3 लेग का है मॉस्फेट का, ये ड्रेन पिन मैंने इसमें सोल्डर कर दिया। अभी इधर जो हमारा ब्लैक वायर है ये जाएगा हमारा मेन फिल्टर का ग्राउंड में, मतलब हम इस पॉइंट में हम सोल्डर कर देंगे, ये होती है मेन फिल्टर का ग्राउंड, हम इसमें लगा देंगे इसके लिए, इसको हम सोल्डर कर दिया इसका मेन फिल्टर का ग्राउंड में। अभी हमारे ये 2 वायर बची हुई है, इसमें हमको 5 वोल्ट में सेट करना है, ठीक है, इसका जो 5 वोल्ट है, तो ये जो ब्लू कलर है ये जाएगा नेगेटिव में, ठीक है, तो हम पहले इधर नेगेटिव में कनेक्ट कर देते हैं। ये हम नेगेटिव में सोल्डर कर दिया और ये वायर जाएगा 5 वोल्ट का जो फाइनल आउटपुट है इसमें जाएगा, ठीक है, इसका
ये एक हिसाब से ये वायर ये तो ग्राउंड कहीं भी सेकेंडरी ग्राउंड में दे दो चल जाएगा, लेकिन इसका इसका देने का सही तरीका होता है, ये हमारा जो 5 वोल्ट का लाइन इस चॉपर से आउट हो रही है ना, इसका डायोड से डायोड छोड़ के आगे जोड़ना है, तो हमको इधर जोड़ दिया और इधर जोड़ दिया एक ही बात होती है, तो हम इधर ही जोड़ देंगे, ठीक है। इधर जोड़ेंगे तो हमारा बोर्ड में होल है, इसमें घुसा देंगे तो आसानी से हम शोल्डर कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम फिलहाल यहीं पे जोड़ेंगे। हाँ, इसे जोड़ दिया, ठीक है। अभी फाइनली ये हमारा कनेक्ट हो चुकी है, अभी इसको 5 वोल्ट में सेट करना चाहिए, इसमें लाइन देके इसमें 5 वोल्ट आता है क्या नहीं सेट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं पहले बता दूँ, इससे हम जो बोर्ड आती है जो डिस्टर्ब वाला बोर्ड आती है वो इसको हम ये प्रीसेट से 5 वोल्ट में मैंने सेट करके रखा है, ठीक है, कोई भी सेट में लगा दो तो ये प्रीसेट ऐसा ही मैंने एडजस्ट करके रखा था, इसमें 5 वोल्ट आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, ज़्यादा नहीं, 5 वोल्ट से कम निकलेगा, तो हमको थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको अभी क्या है, देखो अभी हम इसको करेंगे LED TV के साथ कनेक्ट करके हम चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों और एक बात, हमको जो मिला था उस बोर्ड में थोड़ा दिक्कत थी, जो हमारा मेन मदरबोर्ड होती है उसमें थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए उसमें से फीडबैक आके इसका PW जो ऑन वोल्टेज आती है वो नहीं आ रही थी, इसलिए हम इसको फिलहाल अभी एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लेंगे, 10 ओम्स, ठीक है। लेने के बाद इसका जो प्लस है प्लस वोल्ट शॉर्ट करेंगे PWM पावर ऑन का साथ, ठीक है। तो हम इधर से एक रेजिस्टेंस लगा देंगे इसमें पॉजिटिव वायर में 10 ओम्स का, घुस जा, हाँ ये घुस गया, ये हो गया 10 ओम्स आ गया, इसमें थोड़ा शोल्डर देना है, शोल्डर कटर गया, इसको थोड़ा सा शोल्डर देना है क्योंकि ये शोल्डर सही से होना चाहिए, नहीं तो 1-2 महीने के बाद इसमें लीकेज आ जाएगा, तो इसमें सही से शोल्डर होना है, मैंने शोल्डर कर दिया। और दोस्तों इसका जो PWM ऑन वही लिखा है ना, PW ऑन जो होती है पावर ऑन, ये होती है ये वायर से जाती है, ठीक है। तो हम बिल्कुल यही से कनेक्ट कर देंगे, इस वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको उतना ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है ये पावर ऑन का वायर है, तो हम इस वायर से हम जोड़ देंगे, नॉर्मल से जोड़ देंगे, ठीक है। ये जोड़ दिया, अभी इसमें जब हम लाइन देंगे तो इसमें 13 वोल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना टाइम ये 5 वोल्ट पी ऑन में नहीं जाएगा उतना टाइम इसमें 13 वोल्ट लगभग इसमें 13 ही लिखा है, ठीक है, इसमें 13 वोल्ट लिखा है, ये 13 वोल्ट उतना टाइम 13 वोल्ट नहीं निकलेगा। आ रही है क्लियर से, क्लियर करो थोड़ा, ये 2 नंबर पे जो लिखा है इधर एक गैप छोड़ के 2, ये एक नंबर 1 क्या हुआ है, लेकिन ये पहला गैप छोड़ के दूसरा ये 13 वोल्ट निकलता है, ठीक है। तो ये बोर्ड हमारा अभी फिलहाल ओके कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि हम उससे पहले देखा था उसका बोर्ड में 5 वोल्ट नहीं निकल रही थी, तो हम अभी जाएंगे हमारा LED TV का साथ, चलो उस टेबल में, मैं आ चुकी हूँ इस टेबल में, इसको अब करेंगे इसका साथ फिटिंग, आजा। हाँ इसको मैंने सेट कर दिया, बैकलाइट का कनेक्शन इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अभी क्या है देखो, इसमें शॉर्ट ना हो इसलिए हम इसको देना पड़ेगा, और ये बोर्ड नीचे टच ना हो इसका साथ लेग था, लेग को हम लगा देंगे, इसमें बोर्ड को शॉर्ट होने से बचाता है, ठीक है। इसको मैंने ये लगा दिया, अभी हम करेंगे इसका
इसको अभी करेंगे हम पॉट, ये लगा दिया मैंने, इसको अभी हम देंगे पवार। थोड़ा एक बार देख लेते हैं कोई छेड़छाड़ हुआ शॉर्ट वगैरह कुछ भी, हम इसको पकड़ के इसको थोड़ा सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दे दिया पावर, अब इसने पावर तो इंडिकेटर नहीं दिखा रही है, लेकिन इसका अभी हम करेंगे ऑन। किधर स्विच किधर है, ये देखो ये ऑन हो चुकी है इसको, ये देखो ये ऑन हो चुकी है। इस टीवी का यही प्रॉब्लम था, इसका जो एक मिनट इसको ऑफ कर देते हैं हम, इसको एक बार निकाल देते हैं। इसका प्रॉब्लम कहाँ से था ये हम थोड़ा डिस्कस कर देते, ठीक है। इसका इसका देखो क्या है, ये जो मॉस्फेट था ये मॉस्फेट से ही था, ठीक है। ये जो आईसी है ये स्विचिंग होने के बाद फर्स्ट टाइम तो ये जो पावर आती है इस पावर से। हाँ दोस्तों, कस्टमर आया था इसलिए मैं वीडियो का पोज कर रहा था, ठीक है। वो बीच बीच में पोज इसलिए कर रही थी क्योंकि कस्टमर आ रही थी, तो वो जो बोल रही थी ये जो मॉस्फेट होती है वो मॉस्फेट से ही था हमारा। फर्स्ट टाइम ये प्राइमरी से वोल्टेज पाके ऑन हो रही थी, लेकिन ये जो कॉन्टेंट एक वोल्टेज आना चाहिए इस आईसी से, इस आईसी का ये जो दो नंबर पिन, ये दो नंबर पिन से आना चाहिए था। ये इधर से जाके इसमें आता है, इस पॉइंट से इसमें आके इधर आती है, ये पॉइंट में नहीं आ रही थी वोल्टेज, एक बार आके बैठ रही थी, इसलिए हमको इसको ओपन करके ये लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें कॉन्टेंट स्विचिंग करेगा, इसमें वोल्टेज आके रुकेगा इधर, और इसको फीडबैक आने के बाद ये 13 वोल्ट निकलेगा। और ये फीडबैक इसमें थोड़ा दिक्कत है, 5 वोल्ट नहीं आ रही थी दोस्तों, इस आईसी का ये वोल्टेज नहीं निकल रही थी, इसलिए इसको लगाना पड़ा कि इसमें कॉन्टेंट इसमें वोल्टेज आएगा। और इस बोर्ड में जो 5 वोल्ट बैक करना था वो भी नहीं आ रही है, ठीक है। इसलिए मैंने इधर एक 10 ओम्स रेजिस्टेंस लगा दिया इधर, ये हमारा जो 5 वोल्ट होती है 5 वोल्ट का साथ पी ऑन में एक रेजिस्टेंस 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो हमारा अभी क्या होगा, इसमें कॉन्टेंट 13 वोल्ट 5 वोल्ट जो वोल्टेज चाहिए था, 13 वोल्ट और 5 वोल्ट चाहिए इसमें ये बोर्ड ऑन होने के लिए, तो वो वोल्टेज कॉन्टेंट इसमें रहेगा। तो ये अभी बिल्कुल ओके कंडीशन में, तो इसको हम फिटिंग करके दे देंगे। और इसी तरह वीडियो को देखना है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।